नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल। पदमपुर से हमारे संवाददाता गणेश तनेजा की रिपोर्ट के अनुसार पदमपुर पंचायत समिति की प्रधान बनी कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता पुनिया। जनता ने जो कांग्रेस पार्टी पर विश्वास जताया है उस पर सदैव खरा उतरेंगे, विधायक पुत्र रूबी कुन्नर ने कहा। कांग्रेस की सुनीता पुनिया को मिले 13 मत तो निर्दलीय प्रत्याशी को मिले 4 मत। कांग्रेस की पदमपुर पंचायत चुनाव में एक तरफा जीत। कांग्रेस ने पंचायत चुनाव में 13 जोन में की थी जीत हासिल। कांग्रेस खेमे में खुशी का माहौल और विजय जुलूस के रूप में उन्होंने नाचते गाते झूमते गुलाल उड़ाते हुए लोगों से आशीर्वाद लिया। कांग्रेस खेमे में खुशी का माहौल। कांग्रेस नेता रूबी कुन्नर, जितेंद्र सिंह चिट्टा, बिक्की जिंदल, फूलचंद मिगलानी, राकेश शर्मा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता वे क्षेत्रवासी इस विजय के जश्न में मौजूद रहे। हमारे साथ इस वक्त हैं कांग्रेस के युवा नेता रूबी कुन्नर। रूबी जी, नगर पालिका चुनाव के बाद फिर पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस का दबदबा रहा है, और क्या आपकी प्रमुखता रहेंगी? प्रमुखता सबसे ज़्यादा पेयजल की है, पेयजल की है, सड़कों की है, नालियों की है, जो मूलभूत सुविधाएं जो गांव के अंदर अभी पेंडिंग पड़ा है काम। पिछले 2 साल कोरोना की वजह से काम रुके हुए थे, प्राथमिकता उसी की है। सर, सभी जो भी पंचायत चुनाव में सदस्य जीते हैं, अभी आपने एक बड़ी बात कही है कि सभी एकजुटता से मिलकर क्षेत्र के लिए काम करेंगे। बिल्कुल, जनता ने जिम्मेवारी दी है, अलग अलग पार्टी से दी है, लेकिन पंचायत समिति में आगे एक है। मंत्री जी हमेशा यही कहते हैं, अभी चाहे किसी पार्टी से जीता हो, आज पंचायत समिति के अंदर उनको अलग जिम्मेवारी मिली है, मिल के अंदर लोगों की सेवा करेंगे, चाहे किसी पार्टी से जीत के आए। ठीक है सर, कार्यकर्ता ग्रहण करने के। रायसिंहगढ़ से हमारे संवाददाता महेश बिश्नोई ने पंचायत चुनाव पर अपनी पैनी नज़र रखते हुए रिपोर्ट बताई है कि पंचायत समिति रायसिंहगढ़ प्रधान पद पर कांग्रेस की सुनीता गोदारा चुनी गई है। वहीं कांग्रेस में बगावती सुर नज़र आ रहे थे, लेकिन उन सुरों को छोड़ कर के पार्टी में शांतिपूर्ण मतदान हुआ, और विरोध होते हुए भी कांग्रेस की प्रधान चुनी गई। पंचायत समिति प्रधान पद उम्मीदवार के लिए शांतिपूर्ण चुनाव होने पर कांग्रेस के लोगों ने खुशी जाहिर की। कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता गोदारा को 19 में से 15 वोट मिले। वहीं माकपा की उम्मीदवार जो निर्दलीय प्रत्याशी बिरखा देवी को 4 ही मत मिले। सुनीता गोदारा 11 वोटों से विजयी हुई। इससे कांग्रेस के खेमे में खुशियों की बहार दौड़ पड़ी। रायसिंहगढ़ पूर्व विधायक सोना देवी बावरी की पूर्व विकास बैंक के अध्यक्ष राकेश ठोलिया, पार्टी द्वारा नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक सोहन डील की रणनीति आई काम। कांग्रेस में चाणक्य की भूमिका में नजर आए राकेश ठोलिया जी। पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह और शहर में जीत का जश्न मनाया, क्योंकि ये कांग्रेस की भारी बहुमत से जीत बताई जा रही है। साथ जो कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता और सभी, उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। और जो हमारे साथ रहे, सबने मिलजुल के ये कांग्रेस का बोर्ड बनाया है, उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। विजयनगर से हमारे संवाददाता सतनाम मांगट की रिपोर्ट के अनुसार विजयनगर में कांग्रेस को एक बार फिर झटका लगा। प्रधान पद की दौड़ में पिछड़ी कांग्रेस पूर्व विधायक सोन नायक को कुल 7 मत प्राप्त हुए, चुनाव हार गए। वहीं माकपा से डायरेक्टर बनी बीरपाल कौर निर्दलीय प्रधान पद का चुनाव लड़ी और 8 वोट लेकर विजयी हुई। इस प्रकार विजयनगर में स्पष्ट बहुमत वाली कांग्रेस पार्टी 1 वोट से हार गई। माकपा के कुल 4 सीट होने के बावजूद भी निर्दलीय लड़कर प्रधान पद पर कब्जा कर लिया। श्री विजयनगर में इसे कांग्रेस के अंतर्कलह और माकपा के परचम के रूप में देखा जा रहा है। श्री विजयनगर में प्रधान पद के लिए कांग्रेस की बीरपाल कौर और माकपा की बीरपाल कौर निर्दलीय चुनाव मैदान में थी। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक
सोनलाल नायक भी प्रधान पद का चुनाव लड़ रहे थे। जब प्रधान पद का मतदान हुआ और नतीजा आया तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में माकपा की बीरवाल कौर कुल 8 मत प्राप्त करके सोन नायक को 1 मत से पराजित कर चुकी थी। श्री विजयनगर में निर्दलीय प्रत्याशी बीरपाल कौर प्रधान बनी। सूरतगढ़ से हमारे संवाददाता गोविंद भार्गव की रिपोर्ट के अनुसार पंचायत समिति में शांतिपूर्ण मतदान हुए, जिसमें पंचायत समिति प्रधान में 16 वोटों से हजारी राम मिल विजयी हुए। सूरतगढ़ के पंचायत समिति में प्रधान पद पर कांग्रेस ने जमाया कब्जा। कांग्रेस प्रत्याशी हजारी राम मिल को मिले 16 मत। भारतीय जनता पार्टी के पेप सिंह राठौड़ को मिले सिर्फ 7 वोट। कांग्रेस में खुशी का माहौल और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पदाधिकारियों ने निकाला विजय जुलूस। अनूपगढ़ से हमारे संवाददाता सोहन लाल डाल की रिपोर्ट के अनुसार अनूपगढ़ में आज गांव की सरकार चुनी गई। वहीं अनूपगढ़ में प्रधान पद के चुनाव पुलिस प्रशासन की देखरेख में शांतिपूर्ण संपन्न हुए। पुलिस की बहुत ही अच्छी व्यवस्था वहां देखी गई। आला अधिकारी भी पुलिस के मौजूद रहे, जिसमें कांग्रेस की राधा देवी पत्नी गोपाल डागला, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और पूर्व में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पंचायत समिति में कुल 15 मत थे, जिसमें सभी मतदाताओं ने मतदान किया और 15 में से राधा देवी को 9 वोट मिले। वहीं माकपा की प्रत्याशी द्रौपदी देवी को मात्र 6 वोट मिले। बोले आज बहुत ही प्रचंड बहुमत से 9 मत लेकर जीत हासिल की है और जिला परिषद में भी जिला प्रमुख के पद पर कांग्रेस पार्टी के हमारे आदरणीय कुलदीप इंदौरा जी विराजे हैं और प्रधान पद पर श्रीमती राधा देवी डागला जी 9 मत लेकर विजय हासिल की है। और जिस विश्वास के साथ जनता ने हमारी जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की ताजपोशी की है, हम जनता के सभी वादों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे। जिन उम्मीद के साथ जनता ने कांग्रेस पार्टी को चुना है, वो सारे के सारे वादे पूरे करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या कहना चाहोगे सर? मैं प्रधान के सभी की सेवा करूंगी और सबके बीच में रहूंगी। तो आज आपको जो इतनी बड़ी जीत मिली है, एक तरह से बड़ी जीत कहेंगे, तो इसमें आप किसको श्रेय देना चाहोगे, किसके कारण से आपको ये जीत मिली है? मेरी जनता से, पार्टी ने मुझे चुना है और दिए, इसलिए मैं मुझको वोट लेके ने जिताया है। आप पहले भी सरपंच रह चुकी हैं, हाँ जी, तो अब आप पंचायत समिति के प्रधान पद पर हैं, तो आपकी क्या जो जो प्रमुख है, आप बताएं जो मुख्य कार्य क्या करवाओगे आप पंचायत? मुख्य कार्य जो पंचायत में होता है वो मैं करवाऊंगा। सर, आपके जोन में आपके द्वारा बहुत अच्छी लीड की है आपके डायरेक्टर ने, इसके पीछे बताइए किस किस का मेहनत है? जी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है और गांव ने पूरे ने सहयोग दिया और बढ़िया तरीके से जीते और आज हमारी कांग्रेस पार्टी के पूरे जिले में प्रधान बने हैं और हम पूरे खुश हैं और अब विकास करवाएंगे। जिला प्रमुख भी आपका ही है, तो इसका बिल्कुल जी, सरपंच होने के नाते से तो आपके पंचायत में अब तो खूब विकास होगा। हाँ जी, विकास हो, आप जनताओं की जो भी जनता की उम्मीदें हैं उन पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे और करेंगे, खरा उतरेंगे। ओके ओके।